पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। पत्नी ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। फैमिली कोर्ट में फैसले से एक दिन पूर्व जज ने एक और अंतिम मौका देते हुए दोनों से बारी बारी अकेले में सवाल जवाब किए। जज साहब ने डॉक्टर पति को तो इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह पत्नी के साथ रहने को तैयार है, किंतु डॉक्टर पत्नी को तैयार नहीं कर पाए। आखिर तलाक हो गया। एक दिन अस्पताल में जज साहब और महिला डॉक्टर मिल गए। औपचारिकता वश महिला डॉक्टर ने अपने चैम्बर में उन्हें चाय पर आमंत्रित कर लिया। चाय पीते हुए वे बोले, डॉक्टर साहिबा, अब यहाँ मैं न जज हूँ और न ही आप अदालत में हो। आपका तलाक हो चुका है, लेकिन मैं आपकी खामोशी का राज नहीं समझ पाया। आप द्वारा तलाक का मूल कारण वह नहीं था जो साक्ष्यों और घटनाओं से सिद्ध हुआ है। वह तलाक की वजह कतई नहीं थे। आपको कोई एतराज न हो तो मैं अब वास्तविकता जानना चाहता हूँ। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता जज साहब, कल उसके साथ कुछ भी घटे, उसे सजा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उस वहशी से मुक्त होना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे तलाक के कारण उसका जीवन, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। मैं घाव को नासूर नहीं बनने देना चाहती थी। डॉक्टर महिला ने कहा, फिर तो अवश्य ही कोई गंभीर मामला था। जज साहब बोले। महिला ने कहा, हम दोनों ही डॉक्टर हैं। मैं 4 माह से गर्भवती हूँ। एक तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा गर्भ 9 महीने में मेरे तनाव के कारण अपाहिज या कोई अनोखी बीमारी लेकर पैदा हो। मैं यह समय बहुत ही शांति और खुशी से बिताना चाहती थी। हर तनाव मुझे स्वीकार था, किंतु हद तो तब हो गई जब। इतना कहते कहते महिला रुक गई। रुंधे कंठ से वह फिर बोली, वे लड़का चाहते थे और उसके लिए भ्रूण परीक्षण पर जिद कर रहे थे, जिसे करवाना हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन ये मेरा अपमान था और भ्रूण परीक्षण एक सामाजिक अपराध भी है। ओ, जज साहब के मुंह से निकला, हाँ, इसीलिए मैंने तलाक का ये कारण नहीं लिखा था। मुझे तो आसानी से तलाक मिल जाता, किंतु उन्हें सजा हो जाती, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता। अपने पेशे से वे बहुत मेहनती और ईमानदार है, इसलिए मैंने मूल कारण को अलग रखा। सजा उन्हें दिलवानी थी, उनके पेशे को नहीं। इसके अलावा भी डॉक्टर होने के साथ साथ पारिवारिक सामंजस्यता के अभाव से भी मैं उनसे ही नहीं परिवार से भी बहुत प्रताड़ित हो रही थी, इसलिए इस कारण को अलग रखते हुए मैंने तलाक का अन्य कारण लिखा था। ये हथियार तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र की तरह कभी भी इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित था। महिला ने कहा, इतना होने पर भी तुमने उस आदमी को बचा लिया जो भविष्य में किसी दूसरी स्त्री के लिए अभिशाप बन सकता है। जज साहब बोले, हम सामाजिक प्राणी हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, भविष्य के सुंदर स्वप्न देखते अवश्य है, किंतु जीते वर्तमान में है। कर्मण्ये वाधिका रस्ते, गीता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भविष्य के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मुझे तो बस गर्भ में पल रही अपनी संतान के भविष्य के ताने बाने बुनने हैं, किंतु वर्तमान तनाव रहित और खुशनुमा जीना है। उसने आगे कहा, ऐसी ही अन्य कुरीतियों के विरुद्ध नारी को ही पहल करनी होगी। ऑपरेशन का बुलावा आ गया था। जज साहब से क्षमा मांगते हुए वह ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। जिस समय जज साहब चैम्बर से बाहर निकल रहे थे, वे उस महिला की महानता के बारे में सोच रहे थे। बेटा हो या बेटी, हम कौन होते हैं चुनने वाले? जीवन देना उस ऊपर वाले का हक है, हम कौन होते हैं छीनने वाले? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।